काटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे, भूल ही भूल जिसने है बाटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे, राज छोड़ दिया ताज छोड़। सिर पर चोट आई है, लेकिन जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं हमेशा मॉम से डॉल के लिए जिद किया करता था, और जब मॉम ने तुझे मेरे हाथों में रखा ना, तो मुझे लगा कि मुझे सच्ची मुच्ची की डॉल मिल गई। शुभम का नया दोस्त, जिसकी वजह से मैं कब से बचती फिर रही थी, उसे सब कुछ पता है। डरने की कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक वो बेहोश है। बस मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, और पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ चला गया, और अचानक मैं इनकी गाड़ी के सामने आ गया। देखा, ने कहा था ना, हमें देखते ही कैसे घबरा गए वो। तुम्हें देखते ही ना, हमें देखते हुए मतलब हम दोनों को। हमें पहले से ही पता था कि आपके खिलाफ बयान दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो चेहरे से एकदम सज्जन पुरुष लगते हैं। क्या क्या लगते हैं? सज्जन पुरुष मतलब अच्छे आदमी। अच्छे आदमी तो लगते हैं। हे भगवान, हम तो एक बात पूछना ही भूल गए। क्या? यही कि आप उन्हें कैसी लगती हैं? हम अभी आते हैं। गाड़ी बारे में तुम उससे पूछने गई थी। अच्छा, वो क्या हुआ ना कि हम अंदर गए तो हम भूले गए कि हम क्या पूछने गए थे। तो तुम इतनी देर उससे क्या बात कर रही थी? अच्छा, वो हमने सोचा कि हम जब अंदर आ ही गए हैं और कुछ पूछना ही है, तो हमने उनसे टाइम पूछ लिया। What? You're such an idiot, गौरी। मेंशन ओके जी। सुनिए जी, सुनिए।
हाँ बोलो जानकी, क्या बात जी? वो बात तो कुछ भी नहीं। अरे तो कोई बात नहीं है तो फोन क्यों किया? क्यों, क्या मैं आपको ऐसे फोन नहीं लगा सकती क्या? देखो जानकी, मैं ऑफिस में काम करने आता हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि फालतू बातों में जाए। आपके पास तो मुझसे घर पे भी बात करने का टाइम नहीं होता। ओफो जानकी, तुम्हें मुझसे जो भी बात करनी है रात में जब मैं घर आ जाऊँ तो कर लो, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है और मुझे इस तरह डिस्टर्ब मत किया करो, ओके? हेलो, हेलो, भाभी, भैया ने ऐसा क्या कह दिया कि आपका फूल सा चेहरा मुरझा गया? तुम्हारे भैया के पास इतनी फुर्सत ही कहाँ है जो वो मुझे कुछ कहे? तो फिर तुम भी भैया को क्यों फोन करती हो? क्या करोगे इनकी, मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि औरत की जिंदगी में पति और बच्चों का बहुत बड़ा सहारा होता है। लेकिन यही तो मेरी बदनसीबी है कि मेरे पति की जिद की वजह से मेरी औलाद भी मुझसे दूर चली गई। तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहती हूँ इंसान को खुश रहना हो तो मेरी तरह रहे, ना औलाद की फिक्र ना पति की चिंता। यही तो बहुत बड़ा फर्क है तुम्हें और मुझ में केतकी। तुम्हें जो कुछ भी मिला तुमने उसे खो दिया, लेकिन मैं जो कुछ भी खो चुकी हूँ उसे वापस पाना चाहती हूँ। बेचारी वो जो चाहती है वो उसे कभी नहीं स्नेहा जी, आप इस तरह अकेले में बैठ के क्या कर रहे हैं? नहीं गौरी, कुछ नहीं। नहीं नहीं स्नेहा जी, इस तरह अकेले में थोड़ी ना कोई बैठता है। हम जानते हैं कि आप कुछ सोच रहे हैं। आप आकाश जी के बारे में सोच रहे हैं ना? हाँ गौरी। तो फिर हमें भी बताइए ना कि आप क्या सोच रहे हैं। गौरी, मैं बस यही सोच रही हूँ कि जब वो मेरी वजह से घायल हुआ तो उसने मेरे फेवर में बयान क्यों दिया? वो इसलिए स्नेहा जी क्योंकि आकाश जी उस एक्सीडेंट के वजह से नहीं, बल्कि असली घायल तो आपको देखने के बाद ही हो गए थे। आप जानती हैं स्नेहा जी, इंसान हर दर्द और जख्म को भूल सकता है, लेकिन जैसे प्रेम रोग हो जाए वैसे स्नेहा जी हम इस रोग का इलाज भी जानते हैं। पूछे क्या? दीदारे यार। और ये सब तुम कैसे जानती हो? वो इसलिए स्नेहा जी क्योंकि हमने आकाश जी की आंखों में आपके लिए प्यार देखा है। एक बात कहे स्नेहा जी, अब वही प्यार हमें आपकी भी आंखों में दिखाई देने लगा है। बस अब इसके आगे का रिश्ता आपको खुद को समझना है। नहीं गौरी, तुम शायद नहीं जानते, ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते। रिश्ता तो बन चुका है स्नेहा जी, पर हम ये नहीं जानते कि आप इस रिश्ते को समझ पाती है या समझना नहीं चाहती है। अगर हमारे दिल की बात कहे तो आपको इस रिश्ते को समझना चाहिए, आगे आपकी मर्जी। भाभी,
अरे कामिनी, मेरे लायक कोई काम हो तो मैं आपकी मदद कर दूं। अरे इस घर में काम ही कितना है जो तुझे परेशान करूं। भाभी इसका मतलब आप अब तक मुझसे नाराज है ना? नाराज किस बात के लिए? पैसों वाली बात को लेकर मैंने आपसे जो कह दिया था। अरे वो तो मैं कब की भूल गई हूँ। मेरी माँ तू भी इस बात को भूल जा, समझी? भाभी मैं तो ये बात भूल जाऊंगी, पर पता है मैं क्या करूँ? मेरी सहेली का वो मजबूर चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। कामिनी तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इस घर की हालत तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। हम चाहकर भी किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ तभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पैसों का इंतजाम कैसे करूं। हाँ भाभी मेरी उस सहेली से बात हुई, पर उसने कहा लाख कोशिश करने के बावजूद वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई। इस तरह मायूस होने से कुछ नहीं होता है, भगवान पर भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी अब भगवान पर ही भरोसा है। भाभी पता है एक तो मैं ऐसे ही परेशान हूँ और वो राधा है ना, वो बार बार मुझे फोन करके और परेशान कर रही है। राधा? हाँ मेरी एक सहेली है, वो अपनी शादी के लिए मुझे बुला रही है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, चली जाओ। और मैं तो कहती हूँ कि तुम शादी में जाओगी तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। नहीं भाभी आप नहीं समझ रही है, वो राधा है ना बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, अब उसकी शादी में पहनने के लिए कुछ कीमती कपड़े हैं मेरे पास, पर उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। तो ज्वेलरी मेरे पास है, जो चाहे पहन लो। पर भाभी मैं कुछ नहीं, मैं भी लेकर आती हूँ। ये लो जो पसंद है पहन लो। इतनी सारी ज्वेलरी? हाँ ये मुझे मेरी माँ ने शादी में दी थी। भाभी पर आप इन्हें पहनते क्यों नहीं है? अरे इस तरह की ज्वेलरी क्या मैं घर में पहनूंगी? वैसे भाभी ये सारी ज्वेलरी कितने की होगी? अब मेरी शादी के वक्त तो ये 1,00,000 रुपए की आई थी, लेकिन अब सोने का भाव बढ़ गया है तो अब इसकी कीमत 2,00,000 रुपए होगी। लेकिन तुझे कीमत से क्या, तुझे जो पसंद है वो पहन ले। ठीक है भाभी, पहले तो मैं सारी ज्वेलरी पहन कर देखूंगी, फिर ही पता चलेगा कौन सी ज्यादा अच्छी है। ठीक है तेरी मर्जी, तो यहाँ बैठकर ज्वेलरी पसंद कर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओके भाभी, वैसे भी ज्वेलरी पसंद करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा बता इनमें से तूने क्या पसंद किया? भाभी सारी की सारी ज्वेलरी इतनी अच्छी है, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। मतलब मैं ना भाभी एक काम करती हूँ, मैं जाके अपनी ड्रेस ले आती हूँ, फिर आप ही बता दीजिएगा कि कौन सी ज्वेलरी पहनूं। हाँ अच्छा ठीक है चल चाय पी ले। आपने मेरी इतनी मदद की है भाभी, अब ना ये चाय आप ही पी लीजिए। अरे थैंक यू सो मच। सुन सुन तो ये लड़की भी ना, थैंक यू आकाश।
कुछ भी किया इन रुपयों के लिए नहीं किया। अगर मेरी नजर में दौलत की कीमत होती तो आज मैं आप सोच रहे कि मैंने उस लड़की को क्यों बचाया। बिकॉज शी इज रियली वेरी इनोसेंट। बस उसकी शक्ल देखकर उस पर मुझे तरस आ गया। थैंक्स अगेन। वैसे एक बात कहूँ, इतनी बड़ी रकम का चेक फाड़ने की हिम्मत कोई मामूली औकात वाला तो कर नहीं सकता। कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? हाँ हाँ सब फर्स्ट क्लास, थैंक यू। बताओ मैं क्या सेवा करूँ आप? मेहता भाई, एक जरूरी काम था और मैं जानती हूँ कि ये काम आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। थैंक यू। आपको मुझसे एक वादा करना होगा, इस काम के बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। बहुत ही चालाकी और होशियारी से ये काम करना होगा। वो तो मैं तभी समझ गया था कामनी भाई, आपने मेरी दुकान बढ़ाने के बजाय इधर रेस्टोरेंट को बुलाया। काफी समझदार हैं आप मेहता भाई। बरोबर, आप बोलो क्या काम है? जस्ट अ मिनट। इसमें हर ज्वेलरी का साइज और वेट लिखा है, अब प्राइस आपको बताना है। अभी प्राइस वगैरह ऐसे कैसे बता सकते हैं कामनी भाई? वो तो माल चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि माल कितना चोखा है। वो सब मुझे पता है मेहता भाई, पर जो मैं आपको बता रही हूँ उससे आप ये बताइए कि ज्वेलरी का कितना बनता है। अभी जब इतना सब आंकड़ा लिखा है तो प्राइस भी आपने निकाला ही होगा। अब मेरे हिसाब से ये 2.5 लाख की ज्वेलरी है। बरोबर, मेरे पास कोई बनवाने आएगा तो मैं इतना ही बोलूँ। कान खरीदने का भाव जुदा होता है और रसीद वगैरह ना हो तो और जुदा होता है। कितना होगा? मेरे हिसाब से 1,35,000 से ज्यादा का माल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं मेहता भाई, कोई चोरी का माल थोड़े। अब आप क्या भंगार का भाव बता रहे हो? जो मार्केट का रेट है वो तो नहीं बदल सकता है। आपके वास्ते 1,40,000 दे सकता हूँ। चलिए, ना आपकी ना मेरी, आप 1,50,000 तो दे देंगे ना? 1,50,000 तो जास्ती है कामनी भाई, 1,45,000 से जास्ती नहीं मिला। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक और काम करना होगा। कौन सा काम? वो मुझे इसी तरह का डुप्लीकेट ज्वेलरी चाहिए, पर नकली। नकली? हाँ, सोने के पानी वाला, असली जैसा नकली, जिसे जब तक आप जैसा कोई एक्सपर्ट चेक ना करे तो पता ही ना चले कि असली है या नकली। ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है कामनी भाई। और ये काम आपको कल शाम तक करना होगा। अब बोलिए मेहता भाई, होगा कि नहीं? हो तो जाएगा, पर 10-15 कारीगर ज्यादा लगाना पड़ेगा। 35,000 से 40,000 में पड़ेगा ये सारा है। 45 दूंगी, लेकिन काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। वो तो हो जाएगा, पर ये रियल आइटम कभी देने वाली हो वो तो बताओ। वो भी आपको कल शाम तक मिल जाएगा। आप कल शाम तक इमिटेशन और 1,00,000 रुपए लेकर आ जाना। मैं ज्वेलरी लेकर आऊंगी, आप चेक करना और ले जाना। बढ़िया, समझो कि आपका काम हो गया। माफ करना भाभी, आपके गहने आपके तो किसी काम नहीं आए, लेकिन मेरे काम आ गए। अब सालों तक ये नकली गहने आपके ज्वेलरी बॉक्स में पड़े रहेंगे और आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो नकली है। बिल्कुल बत्रा की बेटी की तरह।
नकली। जज्बात ले